केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनसंपर्क अभियान और जन जागरण अभियान के तहत चंडीगढ़ में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह समेत कई सेलिब्रिटी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी सबका प्रेरणा स्रोत मिल्खा सिंह जी, रोटरी के पहले अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्यमी साबू जी, और अभी सेना के प्रमुख रहे हमारे बीपी मलिक जी, इनको मैं आया, मिला, चर्चा की उनसे। मिल्खा सिंह ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी ने कर दिखाया। जब से इंडिया आजाद हुआ है मैं तो देख रहा हूँ, और 70 सालों से मैं देख रहा हूँ, और जो स्टेप इन्होंने लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा किया जो कि कश्मीर को जो 370 धारा थी वो हटाई गई, और आज जो है कोई भी आदमी कश्मीर के अंदर जाके अपना बिजनेस चला सकता है, कोई भी काम वहाँ पे जाके काम कर सकता, सेटल हो सकता है। जावड़ेकर ने मिल्खा सिंह सहित रोटरी क्लब के पहले इंटरनेशनल प्रधान आरएस साबू और करगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल वीपी मलिक से मुलाकात कर धारा 370 को लेकर पार्टी की नीतियों को बताया और हरियाणा चुनाव के लिए समर्थन भी मांगा। आर9 टीवी के लिए चंडीगढ़ से ओपी शर्मा की रिपोर्ट।